फुटा पे जूम करूंगा फुटा पे। पानी लो पानी। हम रुके हैं लिमका पीने के लिए। हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए वीडियो के साथ। और हमारा अभी तैयारी हो चुकी है जाने की। लगभग बैग्स हमने गाड़ी में रख दिए हैं और अब मैं अपने कमरे को बाय बोल रही हूँ। और ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं, दिल्ली से हम रवाना हो चुके हैं उत्तराखंड के लिए। और मैं जा रही हूँ मायके और आगे दिखाएंगे आपको भी कैसे कैसे रहता है सफ़र और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। बने रहना आप और देखते रहना पूरा ब्लॉग। क्या लेने? ढंग से बोलो ना, क्या लेने पापा? है परफ्यूम बिदी पापा ये ले फूफू। क्या लेना शिवांश पापा? परफ्यूम। क्या लेने बेटा? और ये हम दिल्ली की बिल्डिंगों को बोल रहे हैं दो तीन दिन के लिए बाय बाय। और हमारे साथ में हैं हमारे मामा जी भी, मतलब मामा ससुर जी, और हम और बच्चे और पापा, और चलते हैं सफ़र। और ये ना मैं और विधि थोड़ी देर के लिए गाड़ी से निकले थे क्योंकि कुछ गाड़ी में कुछ वो कर रहे थे, वो काम मतलब करवा रहे थे। तो हमें धूप लग रही थी वहाँ पे, वो धूप में खड़ी कर दी थी उन्होंने, तो हमें धूप लग रही थी और बहुत ज़्यादा धूप थी बाहर। तो चलो थोड़ी देर उधर जा रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। और बाप रे, घर के बाहर आके पता चल रहा है कितनी गर्मी है। सब कुछ करा के फाइनली हम निकल चुके हैं। चलो बने रहना आप लोग हमारे साथ सफर पे और देखते रहना आगे आगे वीडियोस। उत्तराखंड की मिलेंगे, उत्तराखंड की मतलब उत्तराखंड प्रॉपर गांव नहीं जा पाते हैं। रुड़की में हरिद्वार में शादी है मेरे भाई की, तो हम लोग जा रहे हैं उधर और शादी के ब्लाउज भी डालेंगे। तैयारी व्यारी में इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो लेट्स सी क्या क्या होता है। चलो बैठो, चलो बैठो। आज हम जा रहे हैं मम्मी के ससुराल रुड़की। बीदी को आ रही है उल्टी, इसलिए बोल रहे मम्मी पैदल पैदल चलो। तो पैदल जाएंगे हम मेरठ से लेकर रुड़की तक, अब हम पैदल जाएंगे क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं, है ना बीदी?
पहुंच जाओगे? हाँ चलो बैठो। मजाक कर रहे थे, मेरे को पता। और यहाँ पर बच्चे चिप्स और उसकी वो कर रहे थे जिद, तो बच्चों के पापा चिप्स लेने चले गए हैं। और विधि को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा भी हो रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको ले, छोटी सी लिमका ले आना और उससे थोड़ा सा शायद आराम मिले। अब मैंने तो दवाई खा रखी थी आज, तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ था, हो तो जाता है थोड़ा वो, लेकिन आज काफ़ी आराम था क्योंकि मैंने काफ़ी पहले दवाई खा ली थी, निकलने से एक घंटे पहले मैंने दवाई खा ली थी, तो उससे थोड़ा सा सही था मेरे को। लेकिन विधि को विधि तो विधि परेशान कर रही थी, वह गाड़ी से निकलो, गाड़ी से निकलो, गाड़ी से नीचे उतरो। मैंने कहा चलो तुम भी उतरो, फिर वो भी अपने पापा के साथ चली गई। और इस तरीके से देखो कैसे भाग रही है, नहीं नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। बंद कर दू सबको मिलेगा ये, बंद कर दू हम रुके हैं लिमका पीने के लिए। पेड़ की छाइयों में लिमका, मतलब हमारे मामा ससुर जी भी हैं हमारे साथ, ये हैं हमारे मामा ससुर जी, बच्चों के बूढ़ा जी। अभी हम पहुंच गए हैं रुड़की बस अड्डा और यहाँ से बस 5 मिनट का और है आगे हमारा घर, हमारे क्वार्टर्स। और यहाँ पे रुके हुए हैं हमारे साथ मामा जी थे, मतलब हमारे मामा ससुर जी, तो उनको बस में बिठा रहे हैं, वो आगे जाएंगे ऋषिकेश तक। और हमारा बस जस्ट आ गया है और सही टाइम पे पहुंच गया, अभी 6:50 हो रहा है, यानी कि मुझे तो लग रहा था 8 बज जाएगा आने में, लेकिन हम लोग 7 बजे तक पहुंच गए हैं। और वो भी बीच बीच में पता नहीं कितनी बार रुका, दीदी ने उल्टी, दीदी ने मेरे दो तीन बार उल्टी, और मम्मी के कपड़ों में ही। कैसा लग रहा है बेटा नानी के घर आ गए? बस आने वाले हैं अभी, छोटे बेबी से मिलेंगे, बहुत सारे बेबी से मिलेंगे, तो बने रहना आप और देखते रहना आगे। अब हम थप्पा करेंगे, हम आपको एक स्पेशल कुत्ते से मिलेंगे, बहुत ही शिवांश को एक स्पेशल डॉगी से मिलना। ये है अपना रुड़की, इतनी शांति, इतना रिलैक्स मिलता है ना, हालांकि यहाँ भी अब काफ़ी भीड़ हो गई है वैसे, लेकिन फिर भी। और ये हम गए हैं एक शॉप पे, यहाँ पे हमको लेना है कुछ घर के लिए। वैसे ऐसा रहता नहीं है हमारा कि हम चिप्स विप्स और ऐसे ही फ्रूट्स लेके ही चले जाते हैं, लेकिन आज है मंगलवार और मंगलवार को जब मायके आना होता है कभी या भाई से मिलना होता है तो मीठा ले जाना चाहिए। ऐसे सुना है मैंने कि मंगलवार को भाई से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलना चाहिए, शादी के बाद मंगलवार को नहीं आना चाहिए मायके। लेकिन अब हमारा हुआ ही ऐसा आना, तो मैंने सोचा चलो कुछ मीठा लेकर चलते हैं भाई के लिए। तो इसके लिए वैसे जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता है वो नहीं भी मानता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो चीज़ मानती हूँ तो वो उस चीज़ को मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन माना अगले दिन नहीं माना।
तो मेरे को ये पता था कि मंगलवार को भाई से नहीं मिलते हैं शादी होने के बाद, तो इसके लिए अगर ऐसा होता है कभी बाई चांस तो भाई को मीठा खिलाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैंने कहा ऐसे कर लेती हूँ। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है या मानते हैं ऐसा कुछ तो बताना कमेंट में, और नहीं होता है तो भी बताना, और बने रहना आगे। अब हम जस्ट घर पहुँचने वाले हैं मम्मी के पास, यानी कि बच्चों की नानी जी के पास, और 2-3 दिन तक बच्चे बहुत मज़े करेंगे, देखते रहें। बुआ प्रणाम कौन करेगा? ये मिला बच्चा, भला हो जा। ये हमारे सिलेंडर है, इनमें हवा भरी जा रही है। चाइनीज, हमारे चाइनीज लोग। चैनल भाई वेलकम। फुटा पे जूम करूंगा, फुटा पे